बहू जी बापू जी, पूरन पोड़ी बनी कि नहीं? बस आप ही की राह देख रही थी। क्यों, मुझे बनानी है? माता जी, बापू जी आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप आए हैं तो आपको गर्मा गर्म पूरन पोली बना कर खिलाओ, इसलिए आपकी राह देख रही थी। अब आ गया ना तो बना। हाँ बनाओ बनाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। ये भूख वाली, पहले सफाई खत्म कर, भुक्कड़ कहीं का। अरे बापू जी सफाई तो मैं कर रही हूँ। बहू जब तक ये सफाई खत्म ना करे तब तक उसे पूरन पोली मत देना। दया, बापू जी को तो बोलने की आदत है, उनका मत सुन। तू फर्स्ट क्लास बना, दो तीन गर्मा गर्म पूरन पोड़ी, क्या है पेट में जाएगी ना थोड़ी तो सफाई करने की शक्ति आएगी। जा जा बना। बापू जी चुप चुप रे, नॉनसेंस। एक मिनट, ये आप क्या हमेशा नॉनसेंस बोलते रहते हो? आप बार बार नॉनसेंस बोलोगे ना तो कहीं आपकी हालत भूपेंद्र जैसी ना हो जाए। अब ये भूपेंद्र कौन है? मेरे गांव का भूपेंद्र। उसको ना हर बात में गधा गधा बोलने की आदत थी, फिर उसका नाम ही हो गया भूपेंद्र गधा। बाद में कोई भी उसे चिट्ठी लिखे तो एड्रेस की जगह सिर्फ गधा लिखे ना तो भी चिट्ठी भूपेंद्र को मिल जाती थी। ये सब मुझे क्यों बोल रही है? मैं कहाँ गधा गधा बोलता हूँ? नॉनसेंस ऐसा बोलते हैं ना आप, तो कहीं आपका नाम भी जेठालाल नॉनसेंस ना हो जाए। चुप रहे नॉनसेंस।